ओम नमः शिवाय। सामान्यतः बात की जाती है रुद्राभिषेक की, हर जगह श्रावण में रुद्राभिषेक क्या होता है। मैं इसको आपके जीवन से जोड़ता हूं, आपके अंदर भी शिव तत्व है और वह शिव तत्व जब क्रोधित होता है तो वह रुद्र रूप धारण कर लेता है, और जब आप क्रोध में आते हैं तो परिवार के लोग अलग अलग ढंग से पानी पिलाकर अलग शांत करने की कोशिश करते हैं, तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए और शिव के ऊपर जो विपत्ति आई सती माता की, और सती माता को लेकर वो पूरा विध्वंस किया उन्होंने, तो उनके रुद्र रूप को शांत करने के लिए अभिषेक किया जाता है, जो जल से होता है, जो फलों के रस से होता है, जो प्रकृति की नई नई चीज़ों से होता है, उनके ग्रह को शांति, उनके क्रोध को शांत करने के लिए। तो आपके जीवन के अंदर अपने अंदर भी रुद्र को देखें और रुद्राभिषेक करते वक्त अपने क्रोधित पलों को भी याद कर उसको उस रुद्राभिषेक की प्रज्वल में प्रवाह करें। जीवन आपका है, सुझाव मेरा, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।